बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आएंगे, लेकिन पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में एक थप्पड़ का जिक्र हो रहा है। इस तमाशे के बारे में डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान आने के बाद शुरू हुआ और पाकिस्तानी पत्रकार खुद मान रहे हैं कि उनके मुल्क को भारत ने करारी मात दी। इस्लामाबाद में डॉक्टर जयशंकर के झन्नाटेदार बयान की गूंज अब तक थमी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जयशंकर के कड़े शब्दों ने शहबाज सरकार को पानी पानी कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने गोवा में होने वाली एससीओ समिट में आएंगे। पाकिस्तान उम्मीदें लगाए बैठा था कि गोवा में जयशंकर और बिलावल की मीटिंग होगी, पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान देकर गोवा समिट का एजेंडा सेट कर दिया। बॉटम लाइन ऑन दिस इशू इज दैट इट इज फॉर अस वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज विद अ नेबर हु प्रैक्टिसेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट अस। वी हैव ऑलवेज सेड दैट दे हैव टू डिलीवर ऑन देयर कमिटमेंट not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान एससीओ के मेंबर हैं, इसलिए एक साथ मीटिंग हो रही है, पर जब तक सीमा पार आतंक चलेगा तब तक पाकिस्तान से ना तो बात होगी और ना ही उन्हें कोई डिस्काउंट मिलेगा। आम तौर पर डिप्लोमेसी में इतना डायरेक्ट बयान नहीं दिया जाता है, इसीलिए जयशंकर की बातें सुनते ही पाकिस्तान की उम्मीदों पर मानो बमबारी हो गई। पाकिस्तानी पत्रकार और एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि उनके मुल्क ने भारतीय विदेश मंत्रालय से कांटेक्ट किया था सिर्फ एक मुलाकात के लिए, भारत को बातचीत के लिए राजी करने की कोशिश की थी, यानी भारत से बातचीत करने के लिए पाकिस्तानी सरकार सरेंडर करने के लिए तैयार है, पर भारत ने साफ शब्दों में मना कर दिया। एस जयशंकर के बयान को पाकिस्तानी खुद ही अपनी सरकार के चेहरे पर तमाचा मान रहे हैं। हालांकि पठानकोट आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है और भारत के नए इनकार में पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक बेइज्जती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक डॉक्टर जयशंकर के बयान की ही बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि गोवा पहुंचने से पहले ही बिलावल की बेइज्जती हो गई, पर वहां दबी जुबान में भारत के स्टैंड की तारीफ हो रही है। 4 मई को गोवा में एससीओ के 9 मेंबर देशों के विदेश मंत्री आएंगे। भारत की अध्यक्षता में विदेश मंत्रियों का समिट होगा। मुख्य बैठक के अलावा बाकी देश एक दूसरे के साथ 1-to-1 मिलेंगे, पर बिलावल यहाँ भी अलग थलग नजर आएंगे। जयशंकर के मैसेज पर पाकिस्तान में हल्ला तेज है, लगातार बहस हो रही है और टेरर पर जयशंकर के बयान ने पाकिस्तानियों को अपना अपमान, शर्मिंदगी और बेइज्जती तीनों एक साथ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो के भारत आने के प्रोग्राम को कंफर्म किया था और अब बिलावल के भारतीय दौरे की डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान के कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी 4 मई की दोपहर 1:30 बजे रवाना होंगे और उनका विमान 2.5 घंटे के बाद गोवा पहुंच जाएगा। शाम को 4 बजे वे गोवा पहुंचने के बाद एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग में शामिल होंगे। अगले दिन 5 मई को भी एससीओ समिट की बैठकें होंगी और 5 मई को ही दोपहर 2 बजे बिलावल भुट्टो वापस पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। बिलावल आ रहे हैं, हालांकि एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। ये मीटिंग आज और कल होगी, पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इसमें वर्चुअली शामिल हो रहे हैं, वो दिल्ली नहीं आए हैं। पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली दूसरी खबर दुबई से आई है। दुबई से 250 से ज्यादा पाकिस्तानियों को भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पूरा मिडल ईस्ट पाकिस्तानियों की इस आदत से परेशान है, पर जिस देश का वजीर आजम और आर्मी चीफ खुद विदेश जाकर उधार मांगता हो, वहां की जनता से और क्या उम्मीद की जा सकती है। दुबई में पाकिस्तान के लोग भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। भीख मांगते हुए मतलब भिखारी पकड़े गए, वो भी पाकिस्तान के। 1, 2, 3, 10, 50 नहीं जनाब, 253 पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए। जिस मुल्क में जनरल से लेकर वजीर आजम तक दुनिया भर में भीख मांगते हो, वहां की जनता विदेश में अगर भीख मांग रही है तो कौन सी हैरानी की बात।
पाकिस्तान का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिडिल ईस्ट के दो दो अखबारों की हेडलाइन बन चुका है। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। किस बात के लिए? भीख मांगने के लिए। यूएई की अखबार खलीज टाइम्स ने लिखा, दुबई में रमजान के दौरान 300 से ज्यादा भिखारी पकड़े गए। इसी तरह यूएई की एक और अखबार गल्फ न्यूज में छपा, मार्च से लेकर अब तक पुलिस ने 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया। हालांकि हेडलाइन में यह नहीं लिखा था कि इन भिखारियों में कितने पाकिस्तानी हैं, लेकिन दोनों जगहों पर खबर छपते ही खुद पाकिस्तानियों ने ही अपना कबूलनामा पेश कर दिया कि जनाब हम ही हैं सबसे आगे। दुबई वो शहर है जहां दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति रहते हैं, इसीलिए यहां भीख मांगने वालों की गजब चांदी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जैसे गरीब देशों से लोग 3 महीने का टूरिस्ट वीजा लेकर दुबई पहुंचते हैं और जम कर भीख मांगते हैं, क्योंकि दुबई में कुछ भिखारी 1 महीने में 55 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। जी हाँ, 55 लाख रुपए, वो भी भीख में। आटा और रोटी के लिए भटक रहे पाकिस्तानियों के लिए लाखों की ऐसी कमाई किसी सपने से कम है क्या? ये खबर आने के बाद से शहबाज शरीफ का डर और बढ़ गया होगा, क्योंकि दुबई में भिखारियों की कमाई लाखों में है। ऐसे में शहबाज शरीफ को डर है कि पाकिस्तान के ज्यादातर लोग कहीं दुबई की लाइन में खड़े न हो जाएं। किस लिए? भीख मांगने के लिए। दुनिया में भीख मांगना भले ही शर्म की बात हो, लेकिन पाकिस्तान की सरकार हो या जनता, ये काम बहुत सीरियसली करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को ही देख लीजिए, वो पहले सऊदी अरब से $2 अरब और यूएई से $1 अरब की भीख मांग चुके हैं, और अब वो इन दिनों चीन के दौरे पर हैं, और इस्लामाबाद में सबको यकीन है कि जनरल मुनीर खाली हाथ तो नहीं आएंगे, बल्कि इस बार भीख का कटोरा फुल होकर आएगा। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ हो या जनरल आसिफ मुनीर, सब ने दूसरे देशों से उधार मांगने में PhD कर रखी है, इसीलिए पाकिस्तान का नाम भीख मांगने से ज्यादा बड़ी गाली बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। नेवी और एयरफोर्स के जवान दिन रात डटे हुए हैं। सूडान से अब तक 606 लोग भारत लाए जा चुके हैं, और इसके अलावा तमाम चुनौतियों के बाद भी सूडान हर भारतीय को बचाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। अब तक 1100 से ज्यादा लोग जेदा लाए जा चुके हैं और दूसरे लोगों को लाने की कवायद भी तेजी से चल रही है। सरकार की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं, अदरवाइज हमारे पासपोर्ट भी हमारे काम नहीं आते। ये खुशी वतन वापसी की है, ये जोश उन भारतीयों का है जो सुलगते हुए सूडान से आए हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाले गए लोगों का दूसरा बैच भारत पहुंच चुका है। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 246 भारतीयों को सऊदी अरब के जद्दा से मुंबई लाया गया है। हम अपने वतन आ गए तो हम खुश हैं, और थैंक्स टू मोदी जी, थैंक्स टू टीम वर्क। मोदी जी, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम इतने खुश हैं कि कह नहीं पा रहे हैं। हमारा भारत देश महान है, हमारा नरेंद्र मोदी जी वे हो और हजारों साल जी है। पहले बैच में 360 लोग बुधवार को ही जद्दा से दिल्ली पहुंच गए। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सूडान से बचकर आए लोगों ने ऑपरेशन कावेरी की जमकर तारीफ की। हमने इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, जिस तरह से हम तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार को काफी थैंकफुल कहना चाहते हैं, जिन्होंने काफी अच्छे तरह से रेस्क्यू किया और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हम नी धड़क होके आए हैं, वहाँ आर्मी हमारे पोर्ट सूडान पहुंची, वहाँ से उन्होंने हमें एयरक्राफ्ट में लेके आया, एयरक्राफ्ट से फिर हमको लेके जिद्दा आए, और जिद्दा में हमारा बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। जिस तरह से हमने कोई लड़ाई लड़के आई हो, तो इस तरह हम तो मोदी गवर्नमेंट को बहुत बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। अब तक 606 लोग भारत आ चुके हैं,
अब तक पहले बैच में 360 लोग और दूसरे बैच में 246 लोग पहुंचे हैं। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच चल रहे विवाद की वजह से हालात बेहद चुनौती वाले हैं। करीब 4000 भारतीय अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का सिलसिला जारी है। अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों को सूडान से जद्दा लाया जा चुका है। इंडियन नेवी ने INS तेग युद्धपोत के जरिए 297 लोगों को सूडान से जद्दा पहुंचाया। जद्दा पोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इन भारतीयों का स्वागत किया। सूडान में बम और गोली से बचकर आए लोगों ने राहत की सांस ली है। वहां जैसे हालात बने हैं उसके बारे में सोचकर लोग अब भी डर रहे हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है, दैट टाइम मेरे को बिल्कुल सेफ नहीं फील हो रहा था। बंदूकें चल रही थी, बॉम्ब फेंक रहे थे, हम स्कूल में थे, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। बाद में जब पता चला हम बहुत डरे। उसके बाद स्कूल से घर आने का कोई रास्ता नहीं। उसके बाद हमें ड्राइवर छोड़ के आया हो। उसके बाद थोड़ा घर, पापा ऑफिस में थे और पापा हमारे साथ नहीं थे, तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन थैंक्स टू द गवर्नमेंट, वो लोग हमें सूडान से यहाँ पे सेफली लेकर आए हैं।